गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती है तो देखती है कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, हैं? पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा, ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है। पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो एक साल होने को है, अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? एक साल बीत चुका है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा तो ये बात है, सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा, कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम इस रिक्शा में तो सिर्फ हम चार लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ।
मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बना कर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है, पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और बिल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है, पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना? ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। ये चतुर्वेदी परिवार है, इस परिवार के मुखिया दीन दयाल जी है जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर है, ये उनकी पत्नी मीना और ये बेटा धीरज जिसका ट्रकों का बिजनेस है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट परिवार है। अरे बहू आओ शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, हम हमेशा हार जाते हैं, अब इनके साथ खेलिए। हारता तो मैं ही हूँ हमेशा, पर बाबूजी हम खेलेंगे, वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को है ही क्या, आप लगाओ बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीन दयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को हरा दिया। आप एक बार भी मेरे लल्ला को जीतने नहीं देते। हमने कहां रोका है इसे जीतने से, अगर तुम्हारा लल्ला जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरवा के बेटे को जितवा थोड़ी ना सकता है। बाबूजी, हमको तो हारने में भी बड़ा मजा आता है, आपको इस खेल से इतना शौक है कि क्या बताएं? इस खेल से ज्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने का शौक है, और हमारे 10 बज गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूल। अरे पर बाबूजी नाश्ता तो करते जाइए। टाइम नहीं है बहू हमारे पास। एक मिनट रुकिए तो, हम डिब्बे में भरकर दे देते हैं। ठीक है बस एक मिनट। पूनम ने हड़बड़ी डिब्बा भरा और दीन दयाल जी चले गए। दीन दयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे, भले ही सरकारी स्कूल की हालात खराब थी पर यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी।
दीनदयाल जी मन लगाकर पढ़ाते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? अब वो सर, मैं बगल वाले गांव गया था अपनी दीदी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, इस बार तुम कक्षा में बैठ सकते हो, अगली बार देर हुई तो हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे। ठीक है। दीनदयाल जी शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते थे। वो मानते थे कि स्कूल में बिताया हुआ हर क्षण बहुत जरूरी होता है, इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही उनके छात्रों को देरी से आने देते थे। सब कुछ सही चलता जब तक बरसात नहीं आती, पर बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी, और छत की रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। आइए आइए दीनदयाल जी, वहीं मैं सोचूं, बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप बस हमारे स्कूल की छत रिपेयर करवा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा है ना दीनदयाल जी, हम आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देते हैं, पर मंत्री जी आपकी इस अर्जी के लिए फंड ही नहीं सैंक्शन करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार जाकर शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। सर, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। हमारी स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है, हर साल हम सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। कृपा होगी अगर आप एक बार हमारी अर्जी स्वीकार कर लें और अधिकारियों को आदेश दें। जी जी बिल्कुल, हम तुरंत आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। धन्यवाद सर। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुँचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात ही है, आज हम शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं, उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है, अब जल्द ही स्कूल की छत रिपेयर होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस दिन भर स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था। सब जानते थे कि दीनदयाल जी को शिक्षा से कितना प्रेम था। इस बात को कुछ दिन बीत गए, अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पता लगाने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी ऑफिस गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? हम मंत्री जी को मिलकर आए थे, उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। लगता है मंत्री जी ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या, हम अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आते हैं। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, मंत्री जी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। अब क्या बाबूजी? पता नहीं, सोचे थे जल्द ही स्कूल शुरू होगा, पर लगता नहीं है। दीनदयाल जी का उदास चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? पर कहाँ, इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का याद आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाए तो? ये कैसे संभव है? आपने ट्रक के कंटेनर में ऑफिसेस देखे होंगे, तो अंदर कक्षा भी बना सकते हैं। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे पढ़ तो पाएंगे। क्या ये संभव है? जरूर।
अगले दिन धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही दिन के भीतर विशाल ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही दिन से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में पढ़ने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका परिवार भी बहुत खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता रहा। आखिर बरसात के अंत में सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकी थी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को विशाल ट्रक स्कूल की जरूरत ना पड़े। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया, आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है, अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौंक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है, तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है, तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है, मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, जाओ तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ, पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया, आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ सही कहा तुमने, हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है, अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर आखिर तो ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे
दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था, इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं, तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है, अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ सही कहा तुमने, पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो, आज होमवर्क नहीं किया कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है, अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे, इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए, आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ, अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं।